वेलकम बैक टू रॉक एंड गेमिंग। आज हम वापस खेलने वाले माइनक्राफ्ट अपने पेरिस टाइम पे की दुनिया में। तो पिछले वीडियो को आपने व्यूज़ तो ज़्यादा दिए, लेकिन सेम जो सबसे पहले वीडियो को हुआ था वॉच टाइम बहुत कम है। सबसे पहले वीडियो का तो 4 मिनट का वॉच टाइम था और ये 30 सेकेंड, कम नहीं हो गया ये? आप लोग सिर्फ इंट्रो देखते हो और फिर चले जाते हो, आपको आगे क्या होता है पता ही नहीं चलता। अरे भैया आगे बहुत अच्छे मीम्स रहते हैं, हाँ देखा करो आप लोग मेरी वीडियोस, बहुत मस्त। हाँ तो फिर हमारा जो आयरन फार्म है वो वर्क तो कर रहा है, लेकिन थोड़े अलग वे से। आपने बहुत लोगों का आयरन फार्म देखा होगा माइनक्राफ्ट में, उनका आयरन फार्म कैसा वर्क होता है, एक ही टाइम पर 15-20 भी जल सकते हैं। मेरा कैसा हो रहा है, मेरा जो आयरन फार्म है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही आयरन गोलेम जल रहा है, दूसरा जो है वो पहले की वजह से अटक रहा है। जैसे कि अभी देखो इधर एक अगर आयरन गोलेम रहेगा तो फिर ये इधर से नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इधर जल रहा है और इसने पूरा ब्लॉक करके रखा है। तो फिर अभी थोड़ी देर एएफ के रुकते हैं, पहले तो देख लेता हूँ कि कितने आयरन हुए हैं अभी तक, क्योंकि अभी जब मैं आया था, अभी जस्ट जब मैंने वर्ल्ड में एंटर किया तब सिर्फ 2 आयरन गोलेम चल रहे थे, तो फिर उन दोनों का ही होगा शायद से। शिट, हाँ सिर्फ 7 है, मतलब एक ने 4 दिए और दूसरे ने 3 दिए, नहीं तो जो भी पॉसिबल कैलकुलेशन है वो सारे। ओके तो फिर अभी यहाँ से कूदूँगा और अभी थोड़ी देर AFK रुकना है। ओके हाँ तो फिर आज का टॉपिक तो बताया ही नहीं, आज का टॉपिक है ट्रेडिंग हॉल बनाना। मतलब देखो अभी सब लोग ट्रेडिंग हॉल बोलते हैं, विलेजर हॉल बोलते हैं, हम लोग उसका नाम अलग ही रख देंगे, एकदम ऐसे विलेजर आउटपोस्ट की तरह बनाएंगे और फिर ऊपर लिखेंगे विलेजर आउटपोस्ट। आइडिया मस्त है। अभी थोड़ी देर AFK रुकूंगा और फिर सीधा चला जाऊंगा आयरन कलेक्ट करके, पूरा सीधा हम लोग बनाने चले जाएंगे। तो फिर हमारा जो बेस रहेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, वो आपको तो पता ही होगा, वो स्टोन देखो कॉबल स्टोन को बनाने के बाद स्टोन बनता है, मतलब कॉबल स्टोन को फर्नेस में डालने के बाद स्टोन बनता है, स्टोन के बाद जो स्मूथ स्टोन से बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं AFK होने के बाद। यहाँ पर मैंने अपना कॉबल स्टोन फर्नेस में रख दिया स्मेल्ट होने के लिए। अब ये कॉबल स्टोन स्मेल्ट होने तक हम लोग वहाँ पर देख के आएंगे आयरन फार्म में कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो अभी सबसे पहले तो हंगर बार फुल कर लेते हैं और अभी जाएंगे ढूम टक ढक ढूम आयरन फार्म की तरफ। अभी जब तक हम पहुँचते हैं तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में कुछ तो डाल दो। 3 वीडियोस डाले, 3 में कुछ भी कमेंट नहीं है, लाइक्स है 2-3, कमेंट एक भी नहीं है और व्यूज़ भी अच्छे खासे आ चुके हैं, 100-100 आते हैं, लेकिन वॉच टाइम तो बहुत कम है, वॉच टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी बोर नहीं होगा आपको, कुछ तो टाइम पास के लिए वीडियो ही तो देखते हो आप लोग, मेरी वीडियो देख लो। अभी पहुंच गए हम लोग, चलो अभी बस ऊपर पहुंचना हमें। ऑलमोस्ट आई थिंक सो, ऑलमोस्ट एक स्टैक तो बन ही चुका होगा, नहीं बनना चाहिए एक स्टैक, देखते हैं अभी ऊपर पहुंचने के बाद समझेगा वो तो। ए यार ये ही नहीं पसंद मेरे को, ये पानी से ऊपर जाना, इससे अच्छा तो मैं इधर लैडर सी लगा दूंगा बाद में। चल बेटे ऊपर चल तू, ऊपर स्टैक और 6 आयरन मिल चुके हैं हमें। अभी हम लोग इसको लेके नीचे जाएंगे और अपना पूरा आर्मर बना लेंगे। तो अभी सबसे पहले नीचे जाना है। यो ब्रो इट वर्क्ड। चलो अभी इधर से हम लोग सबसे पहले अपने आर्मर बनाएंगे, ये इधर, ये एक, ये एक, ये एक बन चुका है पूरा आर्मर। अब इसको पहने, ओ ओके चल भाई चलो, ये बन चुका है। अभी जल्दी जल्दी वहाँ से वुड तोड़ेंगे और वुड से अपने पूरे टूल्स भी बना लेंगे, ये सब कुछ। ओके बस इतना काफ़ी रहेगा वुड, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ बनाना तो है नहीं, हमें बस एक पिकैक्स,
एक एक्स और एक स्वर्ड, बस इतना ही। अभी सबसे पहले इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर स्टिक्स इसे अभी पहले ऊपर ले लेंगे। आ जा, पिकैक्स बन गई, एक्स बन गई, ये टॉर्चेस ऊपर, और अपनी स्वर्ड भी बन गई। चलो ये शवल और हो बन रहा है, हो की कुछ ज़रूरत नहीं है हमको, हो ज़्यादा कुछ काम में आती नहीं है। ओके, अभी यहाँ से हमारा पूरा कलेक्ट हो चुका है सामान, अभी यहाँ से भाग के जाएंगे, भाग के और देखेंगे हमारे फॉरनेस में सब कुछ हुआ या नहीं। इसमें क्या मानना है, मतलब मैं अभी यहाँ पर मतलब दो ट्राइडेंट वाले ड्राउन थे, दोनों को मार दिया। पहले वाले ने मुझे बहुत मारा लेकिन मैं मरा नहीं, लेकिन पहले वाले ने ट्राइडेंट दिया नहीं, दूसरे ने नॉटिलस शेल भी दिया और ट्राइडेंट भी दिया। देखो ये एक ट्राइडेंट और पिछले वाला ट्राइडेंट मैंने मिक्स कर दिया, जिससे इसकी एबिलिटी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई और ये नॉटिलस शेल। ओके, तो फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था कि टाउन हॉल बनाएंगे, अब टाउन हॉल नहीं बोलते उसको, विलेजर आउटपोस्ट बनाएंगे। वो टॉपिक ना मतलब ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, ज़्यादा जल्दी नहीं करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि देखो हमने तीसरी एपिसोड में अपना आयरन फार्म बना दिया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा लक ट्राई करते हैं कि मेरा लक अच्छा है या नहीं। तो फिर वो कैसे ट्राई होगा, देखो एक आयरन फार्म में एक ऑलरेडी ये है स्ट्रिंग, अभी मैं वेट कर रहा हूँ रात होने की, रात होते ही स्पाइडर को मार दूंगा जिससे हमें और स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे। देखो स्मूथ स्टोन तो रेडी भी हो गया, मतलब पहला ही स्टैक रेडी हो रहा है। ओके, और जैसे ही वो स्ट्रिंग देगा वैसे ही हम लोग फिशिंग रॉड बना के अपना लक चेक करेंगे। तो फिर मिलते दो दो स्पाइडर्स को मारने के बाद। हमारे पास एक फिशिंग रॉड आ चुका है जिसे मैंने एक स्पाइडर को मार के लिया, तो मैंने पूरा सामान शिफ्ट भी कर दिया है, और पूरा सामान शिफ्ट करने के बाद मैंने एक बेड बना लिया। तो फिर हमारे पास जितने भी ज़रूरत के सामान है वो सारा, जैसे कि शवल, एक्स, पिकैक्स और वो सब कुछ। फिर अभी एक बार यहाँ पर सेटल हो जाना है, रात को सोने के लिए भी यही सोएंगे। यहाँ पर एक बेड लगा दिया है, यहाँ पर लार्ज चेस्ट, और अभी हम लोग फिशिंग के लिए तैयार हैं। 15 घंटे की मेहनत के बाद मैंने लिया है कुछ इतना सामान। देखो इसमें से सिर्फ 3 ही चीज़ें अच्छी है, 2 सैडल, 2 नेम टैग और ये 2 ट्रॉपिकल, ये अपना बो, बस और कुछ भी नहीं मिला इससे अच्छा। तो फिर अभी हम लोग ये पहले ले लेंगे। हमारे जो मतलब इस वीडियो के लिए सिर्फ तो इतना ही है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें हम लोग एक ये ढूंढेंगे, डेजर्ट टेम्पल। क्यों पता है, क्योंकि डेजर्ट टेम्पल से ना हम लोग एक ये लेंगे, 2 हॉर्स आर्मर्स लेंगे, और हॉर्स आर्मर से हम लोग उस यहाँ पर क्रीपर है, हॉर्स आर्मर से हम लोग हॉर्स को हॉर्स आर्मर दे देंगे, जिससे हमारे पास 2 हॉर्सेस हो जाएंगे। ओके, तो फिर सबसे पहले मुझे एनविल बनाना है, एनविल बनाना है। तो फिर उसके लिए मैं पहले ये लूँगा और एक हाँ चलो एनविल तो बन गया। अभी एनविल के लिए बेस्ट जगह है ये, यहाँ पर एक एनविल रखूँगा। ओ शिट, हाँ और मैं तो बताना भूल गया, आपको अगर दिख रहा होगा कि मेरे फिशिंग रॉड में एक एन्चेंटमेंट है, ज़्यादा खुश मत हो, ये एन्चेंटमेंट है कर्स ऑफ वैनिशिंग 1 की। मेरे पास तो था लक ऑफ द सी 2 और एक नॉर्मल, मैंने उन दोनों को मिक्स किया क्योंकि लक ऑफ द सी 2 की ज़्यादा ये नहीं थी। मुझे मिला क्या कर्स ऑफ वैनिशिंग, नहीं दोनों इस पे नहीं। ओके, घोड़े का नाम हम लोग बाद में सोच लेंगे, कुछ तो ऐसा गजब सा रखेंगे, मिल्खा सिंह, मतलब बहुत तेज़ भागता है ना वो, नहीं तो कुछ अच्छा। तो फिर सबसे पहले तो हमें 2 हॉर्सेस ढूंढना है जो बहुत ही क्यूट दिखते हो, ये तो डोंकी है,
हॉर्स किधर है? जैसे देखो ये फॉक्स मिला है, ये अभी स्नोई रीजन का बहुत ही रेयर होता है, और मैं इसे मार रहा हूँ। पता नहीं इसके मुंह में एक स्टिक के लिए मारा मैंने उसे, मैं कितना लालची हूँ। छोड़ो, तो मुझे एक भी हॉर्स नहीं मिला है, मैं इतना चला हूँ फिर भी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वहाँ से अपने घर से बोन ले लेंगे बहुत सारे, और फिर आपको तो पता है ये जो फॉरेस्ट का रीजन रहता है, डार्क, मतलब जो डार्क फॉरेस्ट है ना, वो वहाँ पर डार्क फॉरेस्ट वहाँ का जो रीजन रहता है ना, वो वहाँ पर डॉग्स ज़्यादा रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ से लेंगे बोन्स और डॉग्स को टेम कर लेंगे, जितने भी हो सकते उतने। तो मिलते हैं डॉग्स को टेम करने के बाद, और हॉर्सेस ढूंढने के बाद, और हॉर्सेस को साडल लगाने के बाद, और बहुत कुछ काम करने के बाद। तो हॉर्सेस पकड़ लिए क्योंकि मुझे एक भी डॉग नहीं मिला उस विलेज में, और आई मीन जंगल में। तो फिर वो दोनों हॉर्सेस बहुत क्यूट दिखते हैं, जो कि है ये दोनों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके सिर्फ 9 हार्ट्स है, जबकि इसके 13 हार्ट्स है। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। तो फिर आप कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दो कि इन दोनों के नाम क्या रखें हम लोग। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।